hello students so now we are going to do note making and summary exercises in this video i have shared one and two exercise for note making and summary practice so if you want to know what is note making you can and summary you can see my previous video in which i have taught you note making and summary along with that abbreviation so now we are going to start the video of exercise means here in this video we are going to do practice of note making and summary. Okay, so in this video I have given you this paragraph, this is an un unseen passage. Here you can read the first line is read the passage given below and answer the question that follow so here are two questions you can see here there are two questions given after this uh, paragraph unseen passage so you have to solve that so in this video i haven't solved these questions because i want that you should solve the questions and you should try to make notes then in next video i will tell you the answer of this unseen passage okay so this is unseen passage you have to read it carefully and there are first there, there there is first question which is on the basis of your reading so what you have to do i will here tell you how to make notes again i'll give you only some hints but in this video i will not tell you answers of these notes of these unseen passages okay so here let's do it what you have to do you have to read the passage carefully the this is passage you have to read this passage carefully okay and after reading the passage you have to think that this passage this whole passage is about some topic what what will you give

सेकेंड थिंग आप आफ्टर रीडिंग दिज पैराग्राफ्स आपको क्या करना है हर एक पैराग्राफ को आपको एक टाइटल देना है लाइक दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ लाइक दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ यू विल राइट हियर वन हैडिंग फॉर दिस पैराग्राफ ओके देन दिस इज सेकेंड पैराग्राफ एंड देन यू विल गिव वन हैडिंग टू दिस पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट सेम यू विल डू बि वि थर्ड पैराग्राफ़ फोर्थ पैराग्राफ एंड फिफ्थ पैराग्राफ ओके सो देर आर यू विल गेट फाइव पैस फाइव हैडिंग्स टू ऑल दिज पैराग्राफ्स ओके सो दिस विल भी दीज आर एक्चुअली वन विल भी हैडिंग ओके देन दीज आर हैडिंग टाइटल्स ओके यू विल गिव वन टू थ्री फोर फाइव टाइटल्स दैन आफ्टर दैट वट विल यू डू सपोज़ कि ये आपका जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है लाइक टू डेट हैप्पीनेस हैज डि डेफिट डेफिनेशन वेट अ मिनट लेट मी इरेज ऑल दिस ओके ना मोस्ट पीपल टेन टू इक्वेट हैप्पीनेस विद फेम गुड लिविंग

आपको फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करने के बाद में आपको क्या करना है सपोज आपने इसको फर्स्ट पैराग्राफ को रीड किया इसको रीड करने के बाद में पूरा एक टाइटल देंगे इसे और जो मैं आपको बता रही हूँ वो लिखेंगे आप वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री ऐसे करके ठीक है तो मैंने आपको पहला दिया सपोज़ कि सिनोनिम ऑफ हैप्पीनेस सेकंड मैंने अगर कंटिन्यू किया आगे रीड करना दे आर फ्रीक्वेंटली एक्चुअली अनहैप्पी डिस्पाइट देयर रिचेस एंड एबिलिटी टू इंडल्ज इन फन एक्टिविटीज एट विल फन इज वॉट वी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एंड एक्ट हैप्पीनेस इज सो इस लाइन को आप एक हेडिंग बना सकते हो जो याद आए आपको हैप्पीनेस इज दैट इनटेंजिबल समथिंग वी एस पर्स

मे हैप्पीनेस ठीक है ऐसे करके दे सकते हो देट अफोर्ड अस फ्लैक्टिंग मोमेंट ऑफ रिलैक्सेशन एंड एन्जॉयमेंट हैप्पीनेस ऑन द अदर हैंड इज़ मच स्ट्रोंगर डीपर एंड मोर एबिडिंग इमोशन सो नाओ यहाँ पर एक इमोशन वर्ड भी दे सकते हो तो आपको थ्री सब हैडिंग मिल गई हैं तो ऐसे ही आपका होमवर्क यही है आपको यही काम करना है कि ये वन अनसीन पैसेज है और एक और मैंने दिया हुआ है इनको बहुत अच्छे से रीड करना है देन इनका एक आप आपको फर्स्ट आपको सब पूरे का मिला करके आफ्टर रीडिंग दिस पूरा ठीक है ना आपको एक टाइटल देना है मतलब आप एक हैडिंग यहाँ पर लिखेंगे टॉप पर फिर आप यहाँ पर वन वन लिखेंगे जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ को हैडिंग दिया है देन इसके अंदर के पॉइंट्स को वन पॉइंट वन पॉइंट वन करके लिखेंगे वन पॉइंट टू करके लिखेंगे जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपको दो मिलते तो आप दो ही लिखिए फिर आप सेकंड पैराग्राफ पर आएंगे सेकंड पैराग्राफ को एक टाइटल मतलब एक हेडिंग देंगे देन उसके बाद में आप लिखेंगे टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू ऐसे और टू पॉइंट थ्री तो कोशिश करिए कि थ्री थ्री टाइटल मिल जाए आपको सब टाइटल्स ये करना है चलिए विल कंटिन्यू नाउ ऑन दिस अनसीन पैसेज देर आर ओनली फोर पैराग्राफ्स इसमें आपको सब टाइटल्स भी मिल सकते हैं और सब सब टाइटल भी मिल सकते हैं तो नाउ इट इज़ अप टू यू आपको करना है ये काम मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व इट ओके तो दिस इज़ योर होमवर्क यू हैव टू डू और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको इनके आंसर्स भी शेयर करूंगी और साथ में समरी भी शेयर करूँगी तो इतना वर्क करके आप रखिएगा एंड वेट फॉर टुमारो टुमारो यू विल गेट अ न्यू वीडियो ऑफ आंसर ऑफ दीज अनसीन पैसेज वन एंड टू आंसर्स ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और डोंट फॉर फॉर गेट टू लाइक एंड शेयर दिस इज़ योर वर्क वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू लाइक माई वीडियो लाइक माई वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है सो यू हैव टू लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो ओके एंड सब्सक्राइब ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब